हल्ला बोल मोर्चे के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर कई तीखी टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 हटाने के बाद चुनाव क्यों ले लिए, वहां राष्ट्रपति शासन क्यों लगा हुआ है। इसी के साथ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए भी नाना ने मोदी सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। कश्मीर मुक्त नहीं, कश्मीर तो ऑलरेडी है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने कहा है तो 370 हटाकर इन लोगों ने चुनाव क्यों नहीं लिए? क्या वहाँ पर अभी भी राष्ट्रपति राजवट लगा के रखी है? और ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। 30 सितंबर तक चुनाव होना चाहिए, और ये कुछ बहाना करके अगर चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था मान्य नहीं है, ये उसमें स्पष्ट होगा। देखो, ये केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा वहाँ पे कुठराघात किसके ऊपर अगर हुआ है तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ है। दिन दहाड़े कत्ल कश्मीरी पंडितों की राष्ट्रपति शासन में और बीजेपी के राज में हुई है, और इसलिए इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर अब कश्मीरी पंडितों का भी विश्वास नहीं रहा है, और इसलिए ये डरी हुई सरकार है। तो ऐसे डरी हुई सरकार के इसमें कश्मीरी पंडित वापस जाएगी कि नहीं जाएंगे, ये प्रश्न अभी है।